सेवा सप्ताह के समापन अवसर पर शिमला के बचत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीसी शिमला किरण बढ़ाना मुख्य रूप से उपस्थित रही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में 17 से 23 सितंबर तक प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा था। जिला शिमला में भी ये सप्ताह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सेवा सप्ताह के समापन अवसर पर शिमला के बचत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीसी शिमला किरण बढ़ाना मुख्य रूप से मौजूद रही। इस मौके पर एडीसी शिमला किरण बढ़ाना ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि बुजुर्गों का हर व्यक्ति के जीवन में अहम योगदान रहता है और सभी को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 तारीख से पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में हमने शिमला जिले में भी पूरे उल्लास और हर्ष से इसको बनाने की पूरे प्रयास करे हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट और सभी हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स BDO सभी इसमें लगे हुए हैं कि एक ये सेवा सप्ताह को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए और उनको बताया जाए कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और इसी से हम उम्मीद करते हैं कि आज कल जो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ही व्यस्त हो गई है और लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हम उनके लिए समय निकालें और उनको धन्यवाद करें कि उन्होंने अपने समय में देश को आगे बढ़ाया, हमारी स्टेट को आगे बढ़ाया, हमें आगे बढ़ाया। तो इसी के साथ मैं उम्मीद रखूंगी कि ये खाली एक हफ्ते का प्रोग्राम ना रहे, इसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।